और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के जमशेदपुर से मिल रही है, जहां पर बीती रात दो समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। हालांकि हिंसा और आगजनी के बाद अब मामला फिलहाल शांत है। जमशेदपुर की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, किस तरीके से देखिए वहां पर पथराव हुआ। दरअसल धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर दो गुट, दो समुदाय आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प में दोनों ओर से जमकर पथराव आगजनी की गई है। भीड़ ने कई दुकानों और आग को हवाले, यहां पर आग के हवाले इन दुकानों को कर दिया। पुलिस पर भी हिंसक भीड़ ने हमला किया। उपद्रवियों के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को भगाया है। तो वहीं प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और पुलिस की टीम अब वहां पर गश्त कर रही है। तो देखिए किस तरीके के हालात वहां पर हो गए थे, आगजनी हुई, पथराव हुआ। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया गया, लेकिन पुलिस पर भी अटैक यहां पर किया गया। जमशेदपुर जल उठा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए पहले रात की तस्वीर, किस तरीके से आगजनी की गई, पहले पथराव हुआ फिर आगजनी हुई। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के वक्त गाड़ी पर पथराव किया गया। इवन जो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी उन पर भी अटैक किया गया। और खबर वहां से ये मिल रही है कि फिलहाल मामले को शांत करा लिया गया है। दो समुदाय में ये हिंसक झड़प हो गई। धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर आपस में दो समुदाय भिड़ गए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और इस हिंसक झड़प में जमकर पथराव और आगजनी हुई। तो भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश जब बेकार हो गई तो पुलिस ने एक्शन लिया। टियर गैस के गोले दागे और भीड़ को अंदर गलियों में भी खदेड़ दिया गया, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात बन गए थे, फिर पुलिस के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा और ऐसे में टियर गैस के गोले पुलिस को दागने पड़े। वो तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से देखिए यहाँ पर टियर गैस दागी गई, आंसू लोगों की आंखों से आ जाए और वो बाहर जा सके वहां पर, क्योंकि उपद्रव की स्थिति वहां पर हो चुकी थी। बहुत ज्यादा माहौल खराब हो चुका था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव शुरू हो चुका था। ऐसे में पुलिस को टियर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, भीड़ को अंदर गलियों में खदेड़ना पड़ा, वरना स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो जाती और लोग इसमें घायल हो जाते। शनिवार तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रविवार को किस तरीके से हिंसा वहां पर भड़क उठी, इन चार तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। पूरा मामला ये है कि धार्मिक झंडे का अपमान किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी, उपद्रवियों ने आगजनी कर दी। इतना ही नहीं, जब पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस पर अटैक किया गया। हालांकि पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन फिलहाल वहां पर ये जानकारी मिल रही कि हालात ठीक है, सब कुछ शांत है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है, ताकि एक जगह पर चार से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो सके। और किसी भी तरह की वहां पर लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। जमशेदपुर में जो हिंसा हुई है, सवाल यह है कि आखिर ये किसकी साजिश है, किस तरीके से माहौल खराब हो जाता है अचानक से। इन दो तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा जरा आप लगाइए। पहली तस्वीर देखिए, रात को आगजनी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पथराव किया गया। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमकर जब पथराव हुआ, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर तनाव की स्थिति हो गई। फिर पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले को कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया। साकेत, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, क्या अपडेट वहां से, फिलहाल कैसा है माहौल? साकेत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, हम साकेत से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। साकेत से जानेंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और सवाल ये कि आखिर क्यों जल उठा जमशेदपुर, तो जरा आप जान लीजिए। दरअसल शनिवार को बवाल के बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले को शांत कराया। इससे पहले वहां पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई, फिर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, धार्मिक झंडे के अपमान को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हो गया। दो समुदाय आपस में आमने सामने आ गए, जिसके बाद स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। रविवार को मंदिर कमेटी की बैठक पर पथराव का आरोप, दोनों समुदाय की ओर से पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, अटैक किया गया, हिंसा और आगजनी में कई दुकानों में आग लगाई गई। इस आग की वजह से दुकानें जलकर खाक हो गई। और उसके बाद किस तरीके का मंजर था कि हर तरफ सड़कों पर एक तरफ पत्थर नजर आ रहे थे, जो गाड़ियां आसपास नजर आ रही थी वो क्षतिग्रस्त थी। साकेत सिंह फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, बताएं वहां पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है।
देखिए यहाँ पर जो तनाव की स्थिति बनी पिछले दो दिनों से, उसके बाद यहाँ पर धारा 144 लागू कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और आज इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो माहौल है उसे बिगाड़ने की कोशिश होती है, तो इसमें जरूरी है कि इंटरनेट सेवा को तत्काल बंद किया जाए, ताकि इस तरह का जो माहौल है या फिर जो र्यूमर्स है वो ज्यादा न फैले, इसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है, जिन लोगों की संलिप्तता बताई गई है इसमें उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश पुलिस के तरफ से हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से विवाद सामने आया और खास करके जो आपत्तिजनक चीज झंडे पर लगाने की बात आई सामने, और उसके बाद जो ये पूरा र्यूमर उठा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रशासन भी इस पर अभी खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन चूंकि माहौल तनावपूर्ण है तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता है कि यहाँ पर शांति बनाई जाए, शांति व्यवस्था कायम की जाए, उसके बाद आगे लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने के लिए भी प्रशासन लगी हुई है। साकेत, क्योंकि इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या इंटरनेट सेवा भी बंद है, और कब से एक बार फिर से हम ये कहें कि जो पुरानी स्थिति है वो बहाल की जाएगी? देखिए बिल्कुल, आज सुबह से इंटरनेट सेवा भी यहाँ पर बंद कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, और अब जब तक जो स्थिति है वो सामान्य नहीं होती है तब तक एहतियातन ये तमाम जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है, ताकि जो इंटरनेट के जरिए इन चीजों को ज्यादा तूल ना दी जा सके, ज्यादा हवा ना दी जा सके व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए। इस वजह से तमाम जो कोशिशें हैं वो प्रशासन की तरफ से हो रही है, लेकिन अब देखिए हर जगह इसी तरह की स्थिति होती है, और उसमें इंटरनेट सेवा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश होती है इस दौरान। तो प्रशासन की कोशिश है कि सब चीज सामान्य किया जाए और उसके बाद तमाम जो सुविधाएं हैं वो बहाल भी की जाएगी। ठीक है साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपनी नजर आप बनाए रखेगा, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन की कोशिश ये थी कि भीड़ को तितर बितर किया जाए। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट करवाई कि पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में दो समुदाय के बीच में कुछ तनाव है, उसके बाद यहाँ पुलिस फोर्स डिप्यूट ही यहाँ लगातार दोनों समुदाय को ओर से कुछ कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। अभी स्थिति एकदम सामान्य है, जैसा आप देख रहे हैं पुलिस बल ऑफिसर्स हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, और अभी पूरे इलाका में हम लोग फोर्स गश्त कर रही है। यहाँ सेक्शन 144 भी लग चुका है। अभी स्थिति समान है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इसमें पुलिस FIR करके और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेगी। तो देखिए इस मामले में हिंदू पक्ष का यह आरोप है कि किसी ने उनके धार्मिक झंडे का अपमान किया और दोषी की तुरंत गिरफ्तारी हो। हमारा झंडा अपवित्र जानबूझ के कोई शरारती तत्व के द्वारा किया गया है। 3 नंबर चौक में अपराधियों का पूरा साम्राज्य है, मीट मछली का सार्वजनिक दुकान यहाँ खोल के रखा गया है, पूरे बस्ती का गंदगी यहाँ के चौक चौराहे में ला के रखा जाता है। चारों तरफ से अपराधियों का साम्राज्य है। यहाँ की जनता, शास्त्री नगर की जनता, जमशेदपुर की जनता के सहयोग से यह मांग करती है कि जिस किसी ने अपराधी ने अपराध किया है, झंडे का अपमान किया है, उस अपराधी को अविलंब गिरफ्तार किया।